वो भी शामिल है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कितना नुकसान हुआ है और कितना लाभ पहुंचा है इन्होंने अपने करीबियों को, तो इसको लेकर सीबीआई की टीम कागजातों को खंगाल ली। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिशा निर्देश दिए थे, उसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और आज जो छापेमारी की कार्रवाई है वो सुबह 6 बजे के आसपास सीबीआई टीम डॉलर और वहां पर जो छापेमारी की कार्रवाई उन्होंने शुरू की। इसके अलावा तमाम रिश्तेदार हैं उनके पास सीबीआई टीम पहुंच रही है ताकि जो लिंक है वो आपस में जोड़ा जा सके और ये सिद्ध किया जा सके कि आखिर जो घोटाला हुआ है, जो स्कैम हुआ है अवैध खनन को लेकर, उससे किन लोगों को लाभ पहुंचा है। 6 सदस्यीय सीबीआई की टीम सुबह येदियुरप्पा के घर पर पहुंची थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। नीरज सिंह हमारे संवाददाता बता रहे थे कि सीबीआई ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के परिवारों के छापे मारने शुरू कर दिए हैं और सुबह से कार्रवाई जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, सीबीआई ने कल कलकत्ता से सांसद वाई एस जगमोहन रेड्डी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्व विशेष सचिव केवी ब्रह्मानंद रेड्डी और एमएडी के मुख्य मांगदा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। ब्रह्मानंद रेड्डी भारतीय लेख से अधिकारी हैं और फिलहाल था और गिरफ्तार कर गया। कहना है कि ब्रह्मानंद रेड्डी करने जगन करीब की फिलहाल 9 बजे में प्रवेश कर ली है। एयर ने आज से योजना लागू कर जिस तहत अलग अलग उड़ानों को ही उड़ान क्लब किया जाए। सरकार ने कहा वे का प्रदर्शन नहीं था, इस लाइन पर जनता का और नहीं लगा कामकाज पर चर्चा के बाद हुए नागरिक उड़यन मंत्री अजीत सिंह ने कहा कि संघ सुबह के मंत्रियों को सफल बनाने का